आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अभिषेक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी का छात्र हूँ। तो आज मैं आप सभी के सामने नशा निवारण पर एक शब्द बोलने वाला हूँ। तो शब्द स्टार्ट करता हूँ, मेरे साथ आप भी ये शब्द बोलिए। मैं यह शब्द ग्रहण करता हूँ कि मैं न किसी प्रकार का नशा करता था, न करता हूँ, ना ही भविष्य में कभी नशा करूंगा। इसी के साथ साथ विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्य एवं समाज के सज्जनों को नशे से दूर रखूंगा, ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण का सेवक बन सकूं। नशा जो करता इंसान उसका कभी ना होता कल्याण। नशे की लत जो जारी है यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। लग जाते हैं शमशानों में मेले, आज उनकी तो कल अपनी वाणी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण और मेरे सहपाठियों, मैं अभिषेक कुमार 8वीं कक्षा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने नशा निवारण पर भाषण देने वाला हूँ। तो अपना भाषण शुरू करता हूँ। आज हर युवा नशे के चपेट में है। कोई शराब का नशा करता है, तो कोई जर्दे का, बीड़ी का, तंबाकू का नशा करता है। इस प्रकार देखा जाए तो सभी नशे के अधीन हो चुके हैं। लोग नशे में अंधे हो गए हैं। पिछले कुछ सालों से नशा लोगों को अपना आदि बना रहा है। लोग नशेड़ी बनकर अपना और अपनों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए हमें नशे से मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज युवाओं के साथ साथ नव पीढ़ी भी नशे का सेवन करती है। आज के 10 साल के लड़के नशे का सेवन करते हैं। हमारा देश आज भी गुलाम है कि हमारा देश आज भी गुलाम है? पहले मुगलों का था, बाद में अंग्रेजों का था, और आज नशे का गुलाम बन चुका है। हमारे देश में किराने के सामान से ज्यादा नशीली वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। मजे मजे के चक्कर में हर कोई नशा सीख जाता है, पर जब नशा लोगों के मजे लेता है तब लोग नशा नहीं छोड़ पाते। उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। जो व्यक्ति नशा नहीं करता उसको आज के समय पर एक महान व्यक्ति माना जाता है। इसलिए आप नशा ना करें। नशा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले ही सावधान रहे, मजे के लिए, चैन के लिए अपने जीवन को बर्बाद ना करें। और नशा आपको अंधकार की ओर धकेल देता है।